हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक कलर में चोकर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये मिरर पहले से ही बनाकर रेडी रखा था। अगर आपको ये मिरर वर्क नहीं आता तो मेरे चैनल पर पहले से ही इसका वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ऐसे सुई और थ्रेड की मदद से एक्स्ट्रा फेब्रिक को मैं बैक साइड टर्न कर लूँगी। मैंने कौन सी जगह पर कौन सी साइज़ का मिरर यूज़ किया है वो मैंने वीडियो के एंड में बताया है, इसलिए आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मैंने ये 5 मिरर नेकलेस के लिए और 2 मिरर इयररिंग्स के लिए रेडी कर लिया है। अब नेकलेस के मिरर को सुई और थ्रेड की मदद से हम अटैच करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करके आंसर दे दूँगी। आपको ये काम बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आप ये अच्छे से अटैच नहीं करेंगे तो नेकलेस का लुक भी अच्छा नहीं लगेगा और नेकलेस बहुत खराब दिख सकता है। इसी तरीके से हम ये 5 मिरर को एक दूसरे के साथ सुई और थ्रेड की मदद से अटैच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो मैंने 5 मिरर को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बॉर्डर पर सिल्वर घुंघरू लगाएंगे। आप सिल्वर की जगह गोल्डन घुंघरू भी यूज कर सकते हो। इसके लिए भी हम सुई और थ्रेड का यूज करेंगे। आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसी तरीके से हम सुई में 2-2 घुंघरू लेते जाएंगे और मिरर के बॉर्डर पर अटैच करते जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से ही नेकलेस के बॉर्डर पर घुंघरू लगाकर नेकलेस के बॉर्डर को रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये नेकलेस की बॉर्डर रेडी कर ली है। अब ये इयररिंग्स का मिरर है, इसकी बॉर्डर पर भी हम सेम इसी तरीके से ही घुंघरू लगाएंगे। इसी तरीके से दोनों मिरर को रेडी कर लेंगे। ये नेकलेस और इयररिंग्स का मिरर रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। ये डोरी बनाने के लिए मैंने डोली का थ्रेड यूज़ किया है। आपको टोटल 6 थ्रेड लेना है और इसको आपके एक साइड से पकड़ कर एक साइड ही घुमाते जाना है और दोनों पार्ट को ज्वाइंट करके बीच में से पकड़ कर ऐसे टर्न करना है। इसे टर्न करने के बाद आपकी डोरी ऐसे रेडी हो जाएंगी। आपको ऐसी 2 डोरी बनानी है। ये डोरी बना लेने के बाद हम जंप रिंग की मदद से ये डोरी को नेकलेस के साथ अटैच करेंगे। जंप रिंग को प्लायर की मदद से ओपन करके हम ऐसे डोरी में फिट कर लेंगे और इसके बाद सुई और थ्रेड की मदद से नेकलेस के साथ डोरी को अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से ही हम दूसरी साइड भी डोरी को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड डोरी लगाने के बाद अब हम थ्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा लेके ये डोरी के ऊपर हम ऐसे लगा लेंगे ताकि हम ये चोकर को शॉर्ट और लॉन्ग कर सके। नेकलेस और इयररिंग्स के पीछे सेम साइज का और सेम कलर का फैब्रिक चिपकाएंगे। इसको मैंने पहले से ही कट करके रखा था। इसको चिपकाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू और ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ।
ईयरिंग्स वाले मिरर के पीछे भी हम सेम इसी तरीके से ही फैब्रिक चिपकाएंगे। और ये फैब्रिक ड्राई हो जाने के बाद अब हम ईयरिंग्स के पीछे ये स्टड लगाएंगे। ये स्टड चिपकाने के लिए मैंने B6000 ग्लू यूज़ किया है। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये ग्लू की मदद से स्टड बहुत अच्छे से चिपकता है। अब मैं आपको कौन सी जगह पर कौन सी साइज़ का मिरर यूज़ किया है वो मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने 3 साइज़ का मिरर यूज़ किया है। सेंटर वाले मिरर की ये साइज़ है 1.5 इंच का, और इसके बाद का है 1 इंच का, ताकि इससे छोटा, और लास्ट वाला इससे भी छोटा है। ईयरिंग्स के लिए मैंने ये मिरर की साइज यूज़ की है। आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये मेरा ये नेकलेस बनकर रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।